नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप कर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पीड़ित मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा है और ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाया है। पीड़ित यादवेंद्र पुत्र सुखराज यादव ग्राम कहला सिकंदरपुर का आरोप है कि कृषि भूमि की कुंजन पुत्र दुबरी के नाम से खतौनी में अंकित है, जो कि वर्तमान में मेहनगढ़ तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत है, जिसका विक्रय करने के लिए पीड़ित यादवेंद्र यादव से 7,60,000 कुंजन के चचेरे भाई अरविंद यादव पुत्र हंसराज यादव के खाते में रुपया ट्रांसफ़र कराया गया था एवं अरविंद यादव के खाते में 50,000 बैंक से ट्रांसफ़र कराया गया था। इसके बाद अरविंद ने कुंजन के खाते में ट्रांसफ़र किया और अरविंद ने 50,000 रुपये ले लिए। अरविंद यादव ने कुंजन के खाते में रुपयों को बैंक में ट्रांसफ़र किया, लेकिन खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद भी ज़मीन विक्रय करने से आज कल का कहकर टालते रहे। 6 महीना बीत जाने के बाद ज़मीन विक्रय करने से मना कर दिया। जब पीड़ित ने अपना दिया हुआ 7,60,000 वापस मांगने लगा तो वह देने से इनकार कर दिया और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगा। पीड़ित ने बताया कि कुंजन यादव पुत्र दुबारी यादव, अरविंद यादव पुत्र बंसराज यादव मेरे साथ षड्यंत्र व जालसाजी करके पीड़ित को आर्थिक क्षति पहुंचाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? नाम यादवेंद्र यादव, सन आप सखरज यादव, ग्राम कहला सिकंदरपुर का निवासी हूँ। हमारा पैसा खेत दिखने के वास्ते कुंजन यादव पुत्र दुबरी हनुमानगढ़ी लालगंज और अरविंद यादव पुत्र बंसराज यादव दोनों ने मिल करके हमसे 8,10,000 रुपया लिया है और पैसा मांगने पर हमको लोग बार बार दौड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा मांगोगे तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, पैसा नहीं वापस मिलेगा न खेत मिलेगा। हमको श्रीमान जी से निवेदन है, हम कमिश्नर साहब से मिल करके आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा और आपको पैसा वापस दिलाया जाए। कौन है वो लोग? यह नेकपाल मेहनगर में कार्यरत हैं कुंजन यादव और उनके चचेरे भाई अरविंद यादव। और भी घटना पहले की? हाँ, और भी लोग पहले बहुत घटना किए हैं, कई जगह उन लोग का जांच भी चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हमारे साथ न्याय हो, हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, करवा दिया जाए। कितने दिन पहले पैसा लिए थे आपसे? 6 महीने पहले ये लोग पैसा लिए थे, 6 महीने से मुझे दौड़ा रहे हैं। अच्छा, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं? पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक।